दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं 5 रुपए का ट्रैक्टर नोट और 10 रुपए का ये ब्लैक कलर वाले कीमती नोट के डिटेल्स। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आज की इस वीडियो में आप सभी को ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप सभी के पास अगर ये 5 रुपीज का ट्रैक्टर नोट और 10 रुपए का ये ब्लैक कलर वाले नोट जो मैं बताऊँगा वो उपलब्ध है, तो आप उसको कैसे सेल कर पाएंगे, ये भी चीज़ें आप सभी को आज डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक कॉइन या फिर नोट्स कलेक्ट करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि न्यूमिस्मैटिक के सभी सही खबरें आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से काफ़ी उत्साह मिलता है हमें। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि जिसके पास भी ये 5 रुपीज़ का ट्रैक्टर नोट और 10 रुपये वाली ब्लैक कलर वाली नोट है जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो उपलब्ध है तो उसे सेल करके उन्हें भी अच्छे खासे कीमत प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स और कॉइन्स उपलब्ध हैं। देखिए, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 10 रुपए का ये जो आप लोग स्क्रीन पर नोट देख रहे हो ब्लैक कलर वाली नोट और 5 रुपीज़ का जो ट्रैक्टर नोट है उसके डिटेल के बारे में, और कौन से वो एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से 5 रुपीज़ का जो ट्रैक्टर नोट है रेयर हो जाता है, और कौन से वो स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से 10 रुपए का ये जो नोट है वो काफ़ी रेयर बन जाता है। आपको शुरुआत में ही बता दें हम कि 5 रुपीज़ के हर एक ट्रैक्टर नोट रेयर नहीं होते हैं, हर एक ट्रैक्टर नोट की आपको कीमत उतने नहीं मिलते हैं। कुछ ट्रैक्टर नोट्स के स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि रेयर बना देता है, और वो स्पेसिफिकेशंस क्या है वो चीज़ें अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद साथ ही कुछ सारे 10 रुपए का जो ब्लैक कलर नोट है ये रेयर नहीं होते हैं, रेयर होने के लिए कुछ इस तरह की खास स्पेसिफिकेशंस इस नोट में उपलब्ध है, वो स्पेसिफिकेशंस आप सभी के साथ साझा करेंगे, जिसके बदलत आपको ये पता चलेगा कि आपके पास अगर ये 10 रुपए का ब्लैक कलर वाले नोट है तो क्या वो वाकई में वो स्पेसिफिकेशंस आपके नोट में हैं, तो कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पकड़ेंगे 5 रुपीज़ का जो ट्रैक्टर नोट है उसके बारे में, उसके बाद हम जाएंगे 10 रुपए का ये ब्लैक कलर वाले नोट के ऊपर। देखिए दोस्तों, 5 रुपए का जो सबसे पहला पेपर करेंसी रिलीज हुआ था वो हुआ था 26/1/1950 में सबसे पहले 5 रुपीज़ का ये नोट रिलीज हुआ था, लेकिन टाइम बदलते गया और नोटों का पैटर्न भी चेंज होता गया। तो अब हम बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल जो बताने वाले हैं वो ट्रैक्टर सीरीज़ का, क्योंकि 1950 में जो रिलीज़ हुआ था वो ट्रैक्टर सीरीज़ नहीं था, उस टाइम कुछ और सीरीज़ था, और टाइम टू टाइम ये अपग्रेड होता गया और जो पैटर्न या फिर सीरीज़ कह सकते हैं वो बदलता गया। फिलहाल आज हम बात करेंगे जो ट्रैक्टर सीरीज़ है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एक 5 रुपीज़ का ट्रैक्टर नोट है, और ये गांधी सीरीज़ वाला नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रैक्टर नोट में 2 सीरीज़ है, एक अशोक स्तंभ का है और एक गांधी सीरीज़ का है। तो ये अशोक पिलर वाला है और 29/1/1985 में ये रिलीज़ हुआ था। उसके बाद ये रिलीज़ हुआ था आपका टी प्रेफिक्स से, ठीक है ना, प्रेफिक्स इसका टी था, टी प्रेफिक्स से इसको रिलीज़ किया गया था, और इस नोट में इंसर्ट इसका डी था, ये आपको ध्यान रखना, डी इंसर्ट था इस नोट का, और आपको स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखना होगा क्योंकि तभी जाके आपको समझ में आएगा चीज़ें। इस नोट में सिग्नेचर था अमिताभ घोष, यानी कि उस टाइम्स गवर्नर थे अमिताभ घोष, ठीक है ना, और प्रेफिक्स की अगर बात करें तो 63T इसका प्रेफिक्स था, उसके बाद इंसर्ट इसका डी है। ये सारे फुलफिल अगर करता है, ये सारे जो फीचर्स बता रहे हैं या फिर जो भी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं ये सारे अगर आपके नोट में हैं, और ब्लू एंड पिंक इसका कलर था, और साथ ही इसका साइज़ अगर बात करें 117x63 mm इसकी साइज़ है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट वाटरमार्क बिल्कुल लेफ्ट साइड में राउंड सर्कल में आपको देखने को मिल जाएगा, और 5 यहाँ पे डिनोमिनेशन लिखा है, और साथ ही यहाँ पे अशोक पिलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का ये जो नोट हम बता रहे हैं, अगेन रिपीट करते हैं जो स्पेसिफिकेशंस हैं,
ये देखिए नोट इशू होना चाहिए नहीं 29/1/1985 में। इंसर्ट इसका डी है, वहीं प्रीफिक्स की बात करें तो 63T, यानी कि सिर्फ टी प्रीफिक्स से ही इस नोट को रिलीज किया गया था, ठीक है ना। और सीरियल नंबर भी अगर हम रिपीट कर दें तो 975603 है, लेकिन आपका सीरियल नंबर अलग भी हो सकता है, लेकिन अमिताभ घोष का सिग्नेचर इसमें होना आवश्यक है, अमिताभ घोष। और आप सभी को एक चीज़ बता दें, ये अमिताभ घोष जो है वो उस टाइम की गवर्नर होंगे, क्योंकि गवर्नर का ही हस्ताक्षर 5 रुपीज़ के नोट पे होता है, 1 रुपये का सिर्फ नोट होता है जिसमें हस्ताक्षर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, ये चीज़ आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस अगर आपके नोट में उपलब्ध है तो ये आपको दिला सकता है 400 रुपये तक। जी हाँ, 5 रुपये का एक नोट के बदले आपको मिल सकता है 400 रुपये। तो अगर आप सभी के पास 5 रुपीज़ का नोट है और ये सारे कंडीशंस उपलब्ध हैं, उसमें मैच कर रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से रखिए, क्योंकि उसका कीमत अभी फ़िलहाल में 400 रुपये है, आगे चल के ये 4000 भी हो सकता है। तो इसी वजह से आप लोग इसको अच्छे से कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 10 रुपये का जो ब्लैक कलर वाली रेयर नोट है उसके बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो नोट है ये इसका साइज़ हम सबसे पहले बात करेंगे, 63x137 mm इसका साइज़ है। और इस नोट में अगर हस्ताक्षर की हम बात करें तो इस नोट में हस्ताक्षर है एम नरसिम्हा का, एम नरसिम्हा उस टाइम गवर्नर होंगे। और इस नोट की अगर हम बात करें इंसर्ट, तो इंसर्ट इसका बी है, और प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो ये डब्ल्यू और एक्स प्रीफिक्स में इसको रिलीज़ किया गया था। हम आपको बता दें W और X प्रीफिक्स में इसको रिलीज़ किया गया था, और 1977 में इसको रिलीज़ किया गया था। तो आप सभी को स्क्रीन पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये M नरसिम्हा का सिग्नेचर वाले 10 रुपये की ब्लैक कलर वाली नोट है, 1977 में रिलीज़ किया गया था। इंसर्ट इसकी B होनी चाहिए आपके नोट जो है उसमें, उसके बाद प्रीफिक्स इसका होना चाहिए आपका X2, क्योंकि ये दो प्रीफिक्स में रिलीज़ किया गया था, W और X प्रीफिक्स में रिलीज़ किया गया था। तो अगर आप सभी के पास X2 इस तरह का प्रीफिक्स है और इसका साइज़ 63x137 mm होगा, साइज़ तो एक ही होगा, तो ये नोट आप सभी को दिला सकता है 1500 रुपये तक, या फिर आपको कलेक्शन करना है तो आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 1500 रुपये तक। जी हाँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, हमने आज कवर किया 5 रुपीज़ का एक ट्रैक्टर नोट, जो कि आपको 1 5 रुपये का कीमत 400 रुपये तक मिल सकता है, वहीं 1 10 रुपये का नोट का कीमत आपको मिल सकता है 1500 रुपये तक। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, और ये दोनों प्राइस जो हमने बताए हैं दोनों नोट्स का, वो बताए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक 2021-2022, यानी कि जो लेटेस्ट गाइड बुक है इंडियन पेपर मनी का, उसका अकॉर्डिंग ये प्राइस हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। अब बात आती है कि आप उसको सेल कैसे करोगे। तो दोस्तों देखिए, जो भी नोट्स एंड कॉइन्स रेयर होते हैं, वाकई में एंटीक होते हैं, उन नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने का सबसे प्राइमरी मेथड है वो है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में जाकर आप उसको सेल कर सकते हैं, अगर आपका नोट्स एंड कॉइन्स वाकई में रेयर है, और किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ऐड पोस्ट कर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी मेथड हो गया। लेकिन सबसे जो प्राइमरी मेथड है वो है एग्जीबिशन में जाना। अगर आपको जो भी हमने स्पेसिफिकेशंस बताए वो सारे स्पेसिफिकेशंस आपके नोट्स में उपलब्ध है, तो आप बेशक उसे एग्जीबिशन में जाकर उतने प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस है इंडियन पेपर मनी गाइडबुक 21-22 सीरीज़ के अंतर्गत। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।